मेरे साथ दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है। निश्चित रूप में देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, बगैर भेदभाव के जनता के लिए जो काम किया है, वो आज चढ़कर जादू जो है मोदी जी का और योगी जी का जादू चढ़कर बोला है। और बगैर भेदभाव के जो सरकार की, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को संचालित किया गया है, इसका लाभ सीधे जनता को मिला है। हर घर में मोदी, हर घर में योगी और हर घर में उनकी विकास की योजनाओं ने आज जनता को इस बात के लिए एक तरीके से स्वीकृति उनकी प्राप्त करी है कि जो काम करेगा वही शासन सत्ता में रहेगा। इस मनोभावना के साथ उन्होंने बीजेपी को खुलकर मतदान दिया है, छप्पर फाड़ कर दिया है। किस आंकड़े को चुने जा रहे हैं सर, 300 या 300 प्लस? देखिए, आंकड़ों की बात पहले भी नहीं करता था, और आप मेरे साथ दौरे पे गए थे तो मैंने ये कहा था कि पिछला रिकॉर्ड को हम छुएंगे। सर अब क्या देखा जाए, डिप्टी सीएम साहब की जो जिम्मेदारी की अगर बात करें? मैं कार्यकर्ता के रूप में हूँ और कार्यकर्ता के रूप में था और कार्यकर्ता के रूप में रहूँगा। किस फैक्टर को सर देख रहे हैं जो काम कर गया सर? जनता का फैक्टर है और जनता ने ये चुनाव स्वयं लड़ा है, विकास के नाम पे लड़ा है, और इसलिए इसको आप यही कह सकते हैं कि जनता ने इस चुनाव को स्वयं नेतृत्व किया है। सपा गठबंधन से तमाम सवाल खड़े कर रहा था ईवीएम से लेकर के, और वो भी नए नए रास्ते होगा, वो एक दो दिन के बाद वो और कोई नए बहाने बताएंगे, लेकिन उनके चाहे वो ईवीएम को कहें, चाहे डिजिटल जो रैली है उसको कहें, और चाहे वो चुनाव आयोग को कहें, ये हार की खींच के बजाय उनको अपनी हार का विश्लेषण करना चाहिए। सर आपकी बहुत भूमिका रही है। बिल्कुल, ये डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, वो सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है कि लगातार जो है बढ़त बढ़ती जा रही है, लेकिन डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा साफ तौर पर मान रहे हैं कि ये जनता की जीत है। जिस तरह से काम किया गया, डबल इंजन की सरकार ने काम किया, तमाम योजनाओं को लेकर के जो है प्रदेश सरकार में, केंद्र सरकार में लेके गई, महिलाओं के लिए काम किया गया, विकास के काम किए गए, यही वजह है कि जो जनता है उसने आज भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर दोबारा जो है मौका दिया है। और कहीं ना कहीं उम्मीद जता रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ेंगे और जो दावे किए गए थे 300 प्लस, शायद वहां तक पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी। कैमरा पर्सन कनकी सातन, कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।